आज के हमारी इस ऑनलाइन में हम ऑनलाइन क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में समझाया था, बट आप लोगों ने उस पर कोशिश भी नहीं किया। लेकिन हम बताते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में कि एक रिज्यूम का जो डेटा होता है वहाँ एंट्री करना है। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले तो हम यहाँ एंट्री करेंगे नेम, या फिर मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे नेम करते हैं, नेम या फिर एक एक कैंडिडेट नंबर, सी नंबर, कैंडिडेट नंबर, फिर यहाँ पे नेम, डेट किस दिन के इंटरव्यू के लिए आया है, उसके बाद नेम यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ कर देते हैं नंबर, डेट किस दिन इंटरव्यू के लिए आया, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, के बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना ये साल का है, और उसके बाद लास्ट कंपनी कौन सी है, बाद लास्ट कंपनी हो गया, और उसके बाद यहां पे इंटरव्यूअर कौन सा था, स्टेटस क्या था उस समय का, रीजन क्या था, मतलब कि कैंडिडेट नंबर वन आज इंटरव्यू दी, आज इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, नाम उसका मान लीजिए पूजा है, फादर नेम मान लीजिए रवि है, वाइल डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए यह है, मोबाइल नंबर सपोज है मैं अपना ही डाल देता हूँ, ईमेल आईडी मान लीजिए हमने डाल दिया pooja@gmail.com या कुछ भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन मान लीजिए इसका बीकॉम है, एक्सपीरियंस 3 ईयर की है, लास्ट कंपनी एबीसी है, इंटरव्यूअर रमेश था, ये रिजेक्टेड थे, यहाँ पे रिजेक्टेड में क्या था, लो एक्सपीरियंस, जो भी इन्होंने लिखा होगा, या हाई सैलरी कुछ ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जा सकता है, जैसे कि सैलरी कितनी थी उसकी, लास्ट कंपनी में सैलरी कितनी थी, उसके बाद और बहुत सारी चीज कर सकते हैं कि टाइपिंग स्पीड कितना रहा था उसका, ये पूरा यहाँ पे भी दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, समझ गए। तो पहले आपका एक डेटाबेस तैयार करना है, डेटाबेस तैयार करने के बाद दूसरे सीट हमारा ट्रैकर सीट होगा, उस पर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा। अब ये हो सकता है कि एंट्री इसकी दो बार भी हो, इसकी एंट्री दो बार भी की गई हो, तो यहाँ पे एक आईडी हम जनरेट करेंगे। आईडी में सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, काउंट इफ, और काउंट इफ में कैंडिडेट नंबर तो फिक्स है, हम अब यहां पे एक दिक्कत आ रहा है, यहां पे फाइंडिंग टाइप, फाइन टाइप होगा यहाँ पे होगा हमारे पे आईडी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने किया, तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर से, फिर यहाँ उनकी ईमेल आईडी हो सकती है, नहीं तो फिर यहाँ पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा, ओके। अब यहां पे कंडीशन, यहां पे फाइंड की, एफ एन डी की के नाम यहां पे बुलाते हैं, फाइंड की यहां पे जनरेट करना है, हमें देना है कि इफ अगर ए इक्वल टू जीरो है, ए इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, तो इसी को शो करें। फिर अगला कंडीशन हुआ कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, तो इसी को शो करें।
फिर कंडीशन कि इफ, और यहाँ पे हम एंड देते हैं, एंड अगर ए ग्रेटर देन जीरो कॉमा ए ग्रेटर देन जीरो कॉमा, इसको सेलेक्ट करके बोला कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो, ये तीनों आपस में कंबाइंड हो जाए, डैश लगा के हम इसको कंबाइन कर दे रहे हैं। ब्लैंक, जैसे मैंने यहां पे अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर लिखा यहां पे 8802579388, तो यहां मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। मैं मोबाइल नंबर को डिलीट करके यहां ईमेल आई डिलीट करना पड़ेगा, ईमेल आई डाल दिया कि pooja@gmail.com, तो यहां पे नेम आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको यहां पे, कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ डेटा पे पढ़ते हैं। अब डेटा पे यहाँ बढ़ा जाता है और यहाँ पे फाइंड जो हमने यहाँ कंडीशन लगाया है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे लगेगा हमारे डेटा पे कि इफ डेटा में है, हमने बोला कि अगर A इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है तो डेटा में मोबाइल नंबर आना चाहिए। इफ हमने बोला, एक मिनट इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे कॉपी करके मैं इसको यहां सीट यहां पे दिक्कत हो रही है ना सर इसमें, तो मैं यहाँ पे सबको नाम डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, इसका इसको हमने सेलेक्ट किया डिफाइन नेम, यहाँ पे हमने कर दिया ईमेल, तो आगे ड्रैगिंग सिस्टम में भी आपको आसानी होगी। और यहाँ पे हमने कर दिया नेम, यहाँ पे फादर नेम अपने आप ले रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सेम चीज यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला कि इफ मोबाइल इज ग्रेटर देन जीरो तो इसका मोबाइल यहाँ पे आए। फिर अगेन इफ हमने सेलेक्ट किया ईमेल, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ईमेल इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ ईमेल आना होगा। फिर यहाँ पे इफ एंड नेम इज ग्रेटर देन जीरो कॉमा फादर नेम इज ग्रेटर देन जीरो कॉमा डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन जीरो देन, और यहाँ नेम इसके साथ हमने कंबाइंड किया डैश, फिर हमने किया यहाँ पे फादर नेम, फिर कंबाइंड किया और फिर किया डैश, और फिर यहाँ पे हमने कर दिया डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज ब्लैंक आएगा। समझ गए? अब इसको इजली से नीचे ड्रैग किया जा सकता है, नीचे ड्रैग कर दीजिए। ओके, अब मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्म, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि डेटा में अगर मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी को डिलीट कर दिया तो यहाँ डेटा में देखिए कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला तो आप यहाँ देखेंगे कि इस पूरे मोबाइल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा फाइंडिंग जो की है हमेशा चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू सर्चिंग, जैसे हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसमें हो सकता है डुप्लीकेट भी हो, तो वी लुकअप लिस्टिंग वाली मेथड जो मैंने समझाया था उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर ये तो हो गई, या फिर दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे फाइंड का भी फॉर्मूला ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फिल्टर का, सॉरी। एक तो तरीका है कि हम यहाँ फिल्टर का फॉर्मूला ले लें। फिल्टर डेटा में गया और डेटा में हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, एक डेटा को, और वहाँ पे मैंने बोला कि फाइंड टाइप इक्वल टू कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 8826828093 डालूंगा, सॉरी यहाँ पे ना 8826828093 डाला, अब देखिए B1 नहीं, मैं यहाँ पे B1 से लेके B26 करना पड़ेगा। हाँ, रिकॉर्ड आ गया सर? हेलो, मोबाइल नंबर से स्टार्ट हुआ, लेकिन सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम करता हूँ, हाँ हम A के जगह पे सी से स्टार्ट करते हैं। ए आपने देखा फिल्टर से भी हो सकता है, मैं इसको डिलीट करता हूं तो यहां पे लाइन क्यों आ गया, डिलीट करने भी तो सब हट जाना चाहिए था, बट एक पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, जब ब्लैंक है इसलिए मैं यहां पे जीरो कर दूं तो ब्लैंक है, इसलिए आ रहा था। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी कर देता हूँ pooja@gmail.com। आ गया सर? तो फिल्टर फॉर्मूला कर सकते हैं इस्तेमाल, बट वही है कि फिल्टर फॉर्मूला सारे पीसी पे नहीं होता है, क्योंकि आपके पास 13 है तो वहां नहीं होगा। तो वहां क्या करेंगे, तो वहां यूज करेंगे वी लुकअप लिस्टिंग। कहां से? यहां हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ, और इसको सेलेक्ट करूंगा यहां, सॉरी यहां B2 से B2 कॉमा B2 को सेलेक्ट कर लूंगा, और नीचे ड्रैग करने से पहले वाले B2 को फ्रीज करूंगा, और इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे इसको फाइंड टाइप को, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब मैं यहां पे सिंपल सा काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, या फिर 1 2 3 आप बाकी तो आप कर ही सकते हैं इसमें। लुकअप इसको सेलेक्ट किया कॉमा, नहीं इसको सेलेक्ट नहीं करना, इसमें इसके साथ चाहिए ना, रिपीट भी हो सकता है ना, इसके साथ हमने इसको कॉन्कैटेनेट किया &, और इसको सेलेक्ट किया कॉमा, डेटा में गए और हमने इसको सेलेक्ट करके कॉमा 1 2 3 ऐसे नंबर, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, अभी तो आप लोग बता क्या नहीं आता था, आप बताइए इसमें क्या आपको नहीं होता, क्या नहीं आता था? बोलिए, इफ आता था, एंड आता था, बट यहाँ यूटिलाइजेशन, तो आप कोशिश करेंगे तो होगा। मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो इस पे सोचा भी नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। क्या सोचे थे कुछ लोगों ने? सर किया था, हुआ नहीं, पर वो सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था उस समय आपसे पूछना चाहिए था ना,
समझा था आपने, पूछा नहीं आपने, हाँ हाँ समझ गया ठीक है करता हूँ। तो गलती तो आपकी है, हाँ आप मुझे बताते कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा। सर, वो करने जब लगे थे ना तब दिक्कत आ रही थी इसमें। सिंपल सा, तीन में से किसी एक का है तो इसमें तो सोचने वाली बात ही थी कि इफ लगेगा कोई, क्योंकि वी लुकअप तो मल्टीपल कंडीशन चूज नहीं करेगा ना। तो अभी मैंने भेजा है, अभी मैंने इसको रफ बनाया है, मैंने इसको रफ बनाया है। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा फेयर कीजिए, मतलब कि इसको एक अच्छे से ढंग से बनाइए। मैं ये फाइल आप लोगों को भेज दिया है, और आप लोगों को उसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉर्मूले को अब हल्के में मत लीजिए। ये फॉर्मूला आपका बहुत बहुत मतलब कि साथ देने वाला ये है आपका, ये इससे अच्छा चीज कोई नहीं है। इसलिए फॉर्मूले को हल्के में मत लीजिए, इसके डीपली अंदर जाइए, हर एंगल पे जाइए इसको, समझ गए? ये है ठीक है, तो इसको आप लोग कीजिए, मंडे हम मिलेंगे आपके साथ फॉर्मूला के अगले। आप फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे, ये है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बीच में हम प्रोजेक्ट करेंगे सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट ओके। क्वेश्चन है? यूसुफ जी क्या बात, बड़े चुप चुप है आप, नहीं सर ठीक। समझ में नहीं आया क्या? चुप रहने का मतलब तो यही है कि खाया तो पहले से जानते हैं, या अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है चलिए, तो कोशिश करेंगे हाँ इसको कोशिश कीजिए प्लीज। मैंने बना दिया है, बस थोड़ा इसको रफ करना है, कुछ नहीं। सर, अपनी ईमेल कर दिया सर। हाँ कर दिया, ओके बाय। तो लेकिन हैंडराइटिंग सही नहीं है सो, अच्छा अच्छा सुंदर नहीं है सो। बहुत कोशिश नहीं, बहुत से ही ज्यादा कोशिश करना होता है। हिंदी का ही तो दे रहे हैं तुमको, मैथ का मैथ चाहिए तुमको, हिंदी चाहिए कि मैथ चाहिए? चलो ठीक है, हाँ हिंदी में और नहीं आते हैं, भूल गए, बहुत ही येलो बतख नहीं आते हमको ना पर है पेज, पापा पेज कहाँ पर है, हम बीच में क्या ले को आराम से बेटा। वो खुद फोन क्यों कर रहे हैं? मंकी टोली, नीलू, मंकी टोली, हाँ अब इन आंटों के छाप पे छाप, ऑटो के छाप में तुम भी कुछ चोर हो, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चार ऊपर आसमान में झूलूंगा, झूला झूल रही है डाली पे झूल रहा पत्ता पत्ता, इसे झूला मजा आए। झूले ही झूले, बताओ इन जीवों के झूलों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाती है? पापा फिर डाली को, पैर वाला झूले को, मुझे पैर वाला,
मेरे स्कूल का पार्क, आंगन का बगीचा, और ये भी पसंद है हमको। या तो इंग्लिश हिंदी बुक है, अब जाइएगा स्कूल में ना तो हिंदी नहीं पढ़िएगा। KBS स्कूल का, स्कूल में जाऊंगा मैं हिंदी में पढ़ूंगा। पापा प्लीज दीजिए ना हमको। क्या दें? तो पहले लिए थे ना वो वाला, पहले आप पेज देते तो पेज को तो फाड़ के फेंक देते हो तुम। क्या देंगे? कॉपी। तो ठीक है, काका की खाका की सुना देते हैं, लिख दे ना, ना काका की नहीं लिखूंगा मैं। क्यों? पढ़ने वाला वर्ड भी जो लिखता हूँ मैं, ये लिखूंगा मैं। कौन सा? ये बेटा बहुत 16 पेज का है बेटा, इतना पेज नहीं है पास पापा के। कौन? इतना पेज नहीं है पापा के पास। हाँ देखे ना आपके पास, ठीक है 16 पेज का, उनको 16 पेज का होमवर्क लिखना है। करता हूँ क्या, बनाता हूँ बेटा। पेज कहाँ पर रहते हैं आप? अब पेज कहाँ पर है? यहाँ इसके नीचे। चूड़ा के नीचे है। Thank you.